वेलकम टू गेट अकेडमी। ये क्वेश्चन नंबर 7 में लेके आ रहा हूँ, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। इन द मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट शो इन द फिगर, ये फिगर बना हुआ है, 56% ऑफ द टोटल फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम वन कॉइल लिंक्स द अदर कॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स लिंकेज जो गिवन है वो 56% गिवन है, टोटल फ्लक्स का 56% आपके पास गिवन है, जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। तो फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम वन कॉइल लिंक्स द अदर कॉइल, तो जो फ्लक्स लिंकेज है डिवाइड बाय टोटल जो फ्लक्स है वो 56% है। द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्लियर रहना चाहिए, अगर आप मेरा स्टार्टिंग का पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो मैं पूरा लिखा हूँ कि जो कोफिशियंट ऑफ कपलिंग लेता है आपके पास, जो भी आपके पास कोफिशियंट ऑफ कपलिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो जो भी फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज, जो भी फ्लक्स लिंकेज होता है डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स, डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स लिंकेज है डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये यूजफुल फ्लक्स है डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स। तो कितना परसेंटेज फ्लक्स आपके पास लिंक हो रहा है, दैट मीन द के। तो ये जो गिवन था परसेंटेज में 56% गिवन है, 56%, और वैल्यू वाइज अगर मैं बात करूँ तो 0.56 गिवन। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन में गिवन था वो के की वैल्यू था 0.56, से पहला चीज़ तो अपने को पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आप मेरा अगर फर्स्ट वीडियो देखोगे, जो इंट्रोडक्शन था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इंट्रोडक्शन था, फ्लक्स के बारे में पूरी बात किया था, पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो 0.56 है द वैल्यू ऑफ के। अब 0.56 है, इसमें जो सिग्नल दिया 60 कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकंड पे ऑपरेट कर रहा है, इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतने पे बेस्ड है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मेरे को चाहिए, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपके पास, तो एम की वैल्यू कितना होता है, वी नो दैट एम इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। ये तो के की वैल्यू 0.56 था, और प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका कॉयल का जो इंडक्टेंस है वो है 4 हेनरी, और सेकेंडरी कॉयल का जो आपके पास है इंडक्टेंस है 5 हेनरी। तो अंडर रूट 20, 0.56 अंडर रूट 4 में से 2 बाहर निकल गया, तो 2 ये रूट 5 हो गया, ठीक है। तो लगभग इसका आंसर आता है 2.504 हेनरी, 2.504 हेनरी इसका आंसर आता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं, कई बार किसी को लगता है कि ये सब क्वेश्चन क्या आ गया, हमको तो आइडिया नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है और ये सब सिग्नल जो दिया है 60 cos 40 + 30 degree, इसका कोई यूज ही नहीं था, क्योंकि तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहे हो, और वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2। तो प्राइमरी वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस 4 हेनरी था, सेकेंडरी वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी था, और ये जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था कि जो 56% आपके पास गिवन है, तो अगर आप फर्स्ट वीडियो से अगर मेरा पूरा देख रहे हो जो मैं इंट्रोडक्शन का प्रोवाइड किया हूँ, तो अगर वहाँ से अगर आप देखना चालू किए हो तो फिर आपको दिखेगा कि कुछ भी टफ नहीं है। 56% ऑफ द टोटल फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम वन कॉइल लिंक्स द अदर कॉइल, तो जो 56% आपके पास लिंकेज गिवन है, दैट मीन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था 2.504 हेनरी, ये आंसर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द इंडक्टेंस मैट्रिक्स। तो इंडक्टेंस मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि इंडक्टेंस मैट्रिक्स कितना होता है, इंडक्टेंस मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो एल मैट्रिक्स होता है, ये जो होता है आपके पास, ये एन क्रॉस एन होता है, एल मैट्रिक्स एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर 3 कॉइल्स है आपके पास, एन नंबर आप जो भी जितना भी कॉइल्स है, तो ये इंडक्टेंस मैट्रिक्स 3 × 3 होगा, अभी 3 × 3 में होगा L11, L12, L13, L21, L22, L23, L31, L32 और L33। ये और इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, दिस डायगोनल एलिमेंट्स L11, L22, L33, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दिस द डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इंडक्टेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द सेल्फ इंडक्टेंस, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इंडक्टेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बाकी सब कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, L12, L13, L21। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो L12 की वैल्यू आएगी वो L21 के बराबर आएगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। जो L13 की वैल्यू आएगा वो L31 के बराबर होगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। L23 की वैल्यू L32 के बराबर आएगा, L32 के बराबर, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अब अगर मेरे को लिखना है कि ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चालू कर रहे हैं कि इंडक्टेंस मैट्रिक्स का आपके पास रिजल्ट कितना होगा 3 × 3 का, तो अगर मैं बोल दूं कि ठीक है यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डायगोनल एलिमेंट्स में आपके पास सपोज करो इसको मान लेते हैं कि ये 1 है, I1 लिखा है इसको 1 मान लेते हैं, आपकी चॉइस है, इसको 2 लिखा है इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं,
तो सेल्फ इंडक्टेंस फर्स्ट का कितना है, 10 हेनरी, तो फर्स्ट का 10 हेनरी है, फर्स्ट का 10 हेनरी। सेकंड का कितना है, सेकंड का 20 हेनरी, तो सेकंड का 20 हेनरी हो गया, और थर्ड का 30 हेनरी है, तो 30 हेनरी हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स ही हो गए। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, L12 कितना होगा, 1 और 2 के बीच की बात करते हैं, देखो L12 कितना होगा, यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो I1 करंट कैसा फ्लो हो रहा है, डॉट टू कॉइल, I1 करंट, 1-2 के बारे में बात चल रही है, यहाँ पे I2 करंट कैसा फ्लो हो रहा है, कॉइल टू डॉट, द कॉइल टू डॉट, अपोजिट बिहेवियर हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो बिहेवियर है आपके पास, L12 एक दूसरे को तो अपोज कर रहा है, देख सकते हो, इसका मतलब ये हो गया कि -4 आ गया, दिस द -4 L12 इधर रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2 कॉइल। अगर मैं 1-3 की बात कर रहा हूँ तो 1-3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉट टू कॉइल, यहाँ पे करंट कैसा है, यहाँ पे भी डॉट टू कॉइल, द डॉट टू कॉइल, सेम बिहेवियर। और म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी है, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी, तो देखो ये आ गया 2। तो L12 जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 1 एंड 2 कॉइल, फर्स्ट एंड सेकंड कॉइल, L13 दैट मीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल 1 एंड 3, और ये सेम बिहेवियर था इसलिए प्लस हो गया। अब 2-1 बोल रहा हूँ तो 1-2 और 2-1 में कोई डिफरेंस नहीं, तो -4 आएगा ही, जो -4 था वो आना ही था। L23 कितना होगा, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, 2 और 3 देखो, 2 और 3 देखो, यहाँ पे कॉइल करंट कैसा फ्लो हो रहा है, डॉट टू कॉइल, यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, कॉइल टू डॉट, अपोजिट है, द -6, ये -6 हो गया L23। L31 कितना आएगा, जितना 1-3 था, तो 1-3-2 था, L13 और L31 सेम आएगा, L32 उतना ही आएगा जितना 2-3 था, दैट मीन द -6 आएगा इस वक्त। तो जो डायगोनल एलिमेंट थे वो हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट थे वो हो गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ये -4। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई इंडक्टेंस मैट्रिक्स पूछ ले, अभी तक तो हमारे गेट के पेपर में कोई कभी इंडक्टेंस मैट्रिक्स नहीं पूछा, लेकिन मेरे को लगता है कि इस टाइप का एक अरेंजमेंट देखिए आपसे इंडक्टेंस मैट्रिक्स पूछ सकता है, और बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि 3x3 मैट्रिक्स ही वो चाहेंगे। तो एक इंडक्टेंस मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर नंबर ऑफ कॉइल 2 है तो 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, नंबर ऑफ कॉइल 3 है तो 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, नंबर ऑफ कॉइल अगर 4 है तो 4x4 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। डायगोनल एलिमेंट रिप्रेजेंट द सेल्फ इंडक्टेंस, और नॉन डायगोनल एलिमेंट रिप्रेजेंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मेरे को लगता है कि 3x3 मैट्रिक्स ही बनेगा एग्जाम में जब भी बनेगा, और 3 कॉइल्स ऐसे इंटरकनेक्टेड होगा, और आपको फाइंड आउट करना होगा, कुछ भी नहीं, बस आपको देखना है कि एक करंट डॉट टू कॉइल है, दूसरा करंट कॉइल टू डॉट है, तीसरा करंट डॉट टू कॉइल, ऐसा आपको चेक करना है बस। तो बहुत ही इजीली इंडक्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जा सकता है किसी अरेंजमेंट के थ्रू, और अरेंजमेंट मेरे को लगता है कि एग्जाम में ऐसे ही आना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि एक इंडक्टेंस मैट्रिक्स क्या होता है, इंडक्टेंस मैट्रिक्स में क्या क्या टर्म्स होते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। तो कल अगर आपके लिए एक न्यू टर्म आ गया एग्जाम में कि इंडक्टेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, इंडक्टेंस मैट्रिक्स, तो फिर आपको आना चाहिए कि इंडक्टेंस मैट्रिक्स क्या होता है। तो इतने डिटेलिंग जब आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, कि आपको पता रहता है कि ठीक है मेरे को तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता है, वैरायटी ऑफ कंसेप्ट पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। और ये तो थोड़ा सा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे बेस्ड था, तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस टाइप की चीजें आपको क्लियर रहेगी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपको कितना मजा आ रहा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने के बाद आपकी आपकी जो फीलिंग है वो कैसी है, एक मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।